उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रभारी मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी उस बैठक में मौजूद रहे और बैठक के बाद वो हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्या रिपोर्ट आप लोगों ने फीडबैक दिया? देखिए, वो अभिभावक हैं, उनके मार्गदर्शक हैं और निश्चित रूप से जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ दिशा निर्देश मिलता है और चर्चा होती है संबंधित विभागों से, विकास से संबंधित, और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चाएं होती हैं और इलेक्शन पर भी हैं, और हम लोग 10 के 10 सीट कैसे जीतेंगे उस पर चर्चाएं और जीतेंगे हम लोग। आप लोगों को प्रभारी बनाया गया था, तो आपने कुछ वहां की जनता के बारे में बताया है कि महाराज जी इस तरीके का माहौल चल रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में तो सभी ने देखा, नाराज़गी तो थी मंत्री जी, तो आपने कुछ बताया है कि आपको लग रहा है सब कुछ एकदम बल्ले बल्ले है? नहीं नहीं, हमने बताया कि झूठ बोलने वालों की संख्या अधिक है, कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला के झूठ बोलकर वोट लिया गया है, उसको दूर किया जाएगा और उस पर चर्चा जिस तरीके से, देखिए हमेशा हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, आजमगढ़ जीता, मैं प्रभारी मंत्री था, रामपुर जीता, उसी तरीके से सभी चुनाव हम लोग जीतेंगे। फीडबैक की बात तो हो गई, अभी उन्होंने सीट को लेकर क्या कहा? जो 2 सीटें आप मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं तो मांगने वालों में से है ही नहीं, तो 2 सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई कि महाराज जी ये सीटें हमको दीजिए? NDA की बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री की हम लोगों की कार्य योजना की बैठक है, सीटों की चर्चा फाइनल होती है और सीटों की चर्चा जीत की चर्चा होती है, सीट की नहीं होती है। सीट हम लोग अलग अलग नहीं है, मिलके लड़ते हैं। और अगर सीट आपको नहीं देते हैं, मान लीजिए 2, तो आप कोई नाराज नहीं होंगे? आप किसी तरीके से ऐसा कोई भी अपना दुख जाहिर नहीं करेंगे, ये माना जाए निषाद जी? नहीं, आपको पहले से पता है कि 2 सीटें निषाद पार्टी लड़ी है, तो पहले से मिली हुई थी, अगर उनको नहीं देना था तो दिया है, तो फिर उसमें कहाँ से मतलब आपका निकाल रहे हैं कि नहीं मिलेगा। इस चुनाव में भी ये 2 सीटें आपको मिल रही हैं? इससे पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जो सहयोगी दल हैं वो लड़े हैं और जीते हैं। सीएम ने क्या निर्देश दिए, क्या कहा उन्होंने? आपने फीडबैक बताया और लोग भी मौजूद थे मंत्री जी। संपर्क में रहना, काम करना हम लोगों को, फिर सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन और के लोगों को फिर से दुरुस्त करना है, उनके अंदर अच्छा, फिर से जोश भरना। अच्छा, मंत्री जी ये क्या चल रहा है, बार बार केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो संगठन है सरकार से बड़ा है, बताने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी बोला, आज भी उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, तो ये बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अब इसका जवाब तो ही दे सकते हैं। ये बात तो आपने भी कही थी कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है, लेकिन ये बताना अब क्यों पड़ रहा है? मतलब आपको लग रहा है कार्यकर्ता उपेक्षित है? प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 300 आदमी पहुंचता था, इस बार 3000 पहुंच गया। नहीं, हमेशा ये लोकतंत्र का नियम है, लोगों को, हम पॉलिटिकल टीचर हैं, पॉलिटिकल टीचर हैं तो लोगों को राजनीति तो पढ़ाना ही पड़ेगा कि जो है द रियल गार्ड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है, भाग्य विधाता है, और वोटर के बीच में हमारा कार्यकर्ता जाता है, पार्टी को नीचे पहुंचाता है, पार्टी को ऊपर पहुंचाने में फिर सरकार, बिना किसी पार्टी के कोई सरकार बन नहीं सकते, संविधान कानून से देश से चलता है, कानून से, तो कानून सरकार लागू करती है और सरकार पार्टी चलाती है, पार्टी कार्यकर्ता चलाता है, इसमें कौन सा भ्रम है? यह बात तो नए, मान लीजिए हमारे पुराने पीढ़ी के लोग हैं वो जान रहे, जो नई पीढ़ी है आ रही है, हमेशा भाई जब हमेशा नया पीढ़ी आएगी तो उसे बताना पड़ेगा ना कि आपको सरकार मतलब कार्यकर्ता बड़ा होता हो, आप काम करिए और सरकार आपके अधीन रहेगी। समाजवादी पार्टी में आज एक ज्वाइनिंग हुई है विजय बहादुर की, वो बताया जा रहा है भूमाफिया है, कई तरीके की सरकारी जमीन पर उसने कब्जा किया हुआ है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? अब उनकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कराया है, अब उसके बारे में वो समझे, हम किसी के बारे में अगर किसी का जांच रिपोर्ट आया हो, उसके बारे में कोई मतलब दोषी करार दिए गए हो, तब किसी को कुछ कहा जा सकता है, बिना किसी के हुए किसी के ऊपर टिप्पणी करना लोकतंत्र में उचित नहीं होता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।